हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिशुपाल। टेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और आज से दोस्तों मैं अपनी टेक न्यूज़ की सीरीज जो है स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई टेक न्यूज़ आप लोगों को जरूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों हमारी पहले टेक न्यूज़ है दोस्तों, वो हमारी रियलमी की तरफ से रियलमी केयर प्लस जो आफ्टर सेल सर्विस सिस्टम है वो लॉन्च किया है इंडिया में, जिसमें क्या होगा दोस्तों, आफ्टर सेल सर्विस आपको सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि आपको डैमेज प्रोटेक्शन और आपकी एक्सटेंडेड वारंटी, इस तरीके की तमाम तरीके की जो भी सर्विसेज होती हैं वो आप अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर गेन कर पाओगे। अगली टेक न्यूज़ की दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, वो हमारी गूगल की तरफ से दोस्तों, गूगल पिक्सल 7 जो भी रिसेंटली लॉन्च्ड फ़ोन है दोस्तों, उसमें अभी एक छोटा सा इशू आ रहा है दोस्तों, वो है बैटरी ड्रेनिंग का, जो कि दोस्तों उसकी डिस्प्ले जो है 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ में जो उसकी एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है कंपनी के थ्रू, उससे दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी उसकी जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी जो है ड्रेन हो रही है। ऐसा हमारे जो यूज़र्स हैं जिन्होंने फ़ोन को यूज़ किया है उन्होंने ये क्लेम यहाँ पर किया हुआ है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज़ की तरफ दोस्तों, वो है हमारी मोटो E22S जो स्मार्टफोन है, उसकी लॉन्च डेट जो है 17 अक्टूबर को कंफर्म कर दी गई है दोस्तों। यूरोपियन मार्केट में 159 यूरोज़ का इसका प्राइस रखा गया है, इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए तो 12,700 समथिंग इसका एवरेज प्राइस हमारे इंडियन करेंसी में जो है बनेगा। बाकी दोस्तों 17 तारीख को देखते हैं क्या इसका लॉन्चिंग के बाद क्या स्पेसिफिकेशंस आते हैं, सारी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। अगली टेक्निक्स दोस्तों, बजट फ्रेंडली फोन्स जो लोग सर्च कर रहे हैं उन लोगों के लिए होने वाली दोस्तों, रेडमी ने A1 Plus जो है स्मार्टफोन लॉन्च इंडिया में कर दिया है, जो कि आपको A22 मीडियाटेक हीलियो प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसका प्राइस को 6999 यहाँ पर रखा गया है, जो कि इसका बेस वेरियंट का प्राइस है, जो आपको 2 GB और 32 GB स्टोरेज के साथ में हमें देखने को मिलेगा। 5000 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिल जाएगी। बाकी की स्पेसिफिकेशन दोस्तों हम कुछ टाइम में वीडियोज़ में देख लेंगे। एप्पल कंपनी दोस्तों हमेशा से लोगों को शिकायत रहती है कि ये अपने फ़ोन्स के साथ में जो है चार्जर प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो अभी ब्राज़ील में दोस्तों 100 मिलियन ब्राज़ील करेंसी जो है दोस्तों यहाँ पर अभी फ़ाइन के तौर पे एप्पल कंपनी ने पे की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब जाकर हो सकता है कि ये अपने फ़ोन्स के साथ में जो चार्जर हमको प्रोवाइड करना स्टार्ट करें इतना पे करने का। तो बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि इतना फ़ाइन देने के बाद भी क्या आपको चार्जर मिल पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही ऐसी टेक न्यूज़ देखने के लिए दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली टेक न्यूज़ की किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।